It does not matter how long you are spending on this earth, how much money you have gathered, and how much attention you have received. It is the amount of positive vibrations that you have radiated in your life that matters. Namaste everyone, and once again welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we will talk about something very deep and something very spiritual, meditation. आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होती है एंड व्हाई वी ऑल शुड फॉलो दिस प्रैक्टिस रेगुलरली ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाएं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड टॉक व्हाट इज मेडिटेशन। तो गाइस मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थॉट या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं जिससे आपको एक क्लियर और एक स्टेबल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड मिल जाता है। गाइस मेडिटेशन को शुरू से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोसेस माना गया है लेकिन यदि हम इस प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करें तो ये हमें उतनी ही ज्यादा मजेदार लगने लगती है। मेडिटेशन को शुरू से ही माइंड को रिलैक्स करने की मेथड कहा जाता है बट हमें ये भी समझना होगा कि माइंड को रिलैक्स करने के साथ ही साथ ये हमें और भी बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देती है। इस पर्टिकुलर मेथड को सीखना किसी दूसरी स्किल्स को सीखने जैसा ही है बल्कि आप इसे और बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। व्हाट बेसिकली यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। इसे आप एक मसल की तरह सोचें जिसे कभी आपने एक्सरसाइज नहीं की। मेडिटेशन में आपको बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो सकें। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स ने मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स बनाए हैं जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसमें आपको आपके प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ता है, मंत्र मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन इन विच वी हैव टू विजुअलाइज द पॉजिटिविटी सो दैट वी कैन चेंज। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी ऑल शुड डू मेडिटेशन। It's just not for mental peace, but it also does a lot of things besides clearing your mind. So guys, point number one है, improves your self-esteem. Meditation के कुछ forms हमें life में एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। Meditation से हमें खुद के प्रति एक clear और एक बहुत ही अच्छी understanding develop होती है, जिससे further हम life में grow करते हैं। According to recent studies, people who practice meditation daily feel less lonely and less depressed. Also further, it increases our confidence and problem-solving ability. Point number two, generate kindness. Some types of meditation generates positive feelings towards others and also improves your behavior towards others. Through continuous practice, people learn to spread kindness and forgiveness, first to their family, friends and then to their enemies. इसके ऊपर बहुत सारी scientific studies कहती हैं कि इससे हमारे अंदर compassion की feeling आती है. Point number three, Improves sleep. Guys, sleep एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है बट साथ ही साथ ही हमारे माइंड को भी एक्टिव रखती है। आज बहुत सारे लोग इंसोमनिया से परेशान हैं, बट हमें साथ में ये भी समझना होगा कि मेडिटेशन स्लीप को इम्प्रूव कर देती है। There was a study in which two groups were compared, one who meditated and other who did not meditate. People who meditated fell asleep sooner and stayed asleep longer compared to those who did not meditate. This is because meditation brings your mind in a peaceful state. Meditation हमारी बॉडी और माइंड को एक बहुत ही पीसफुल स्टेट में ले आती है जिससे हमारे स्लीप के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर फोर, improves memory related problems. Memory loss आज एक बहुत ही कॉमन इशू है। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ ओल्ड एज लोगों में होती है बल्कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी इस प्रॉब्लम से अफेक्ट होते हैं। मेमोरी लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। न्यूरोसाइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेडिटेशन हमारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मेडिटेशन से हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलती है। ऑल्सो गाइस फर्दर स्टडीज कहती है कि मेडिटेशन से ना सिर्फ मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट बल्कि डिमेंशिया का भी ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है। हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर फाइव, फाइट एडिक्शन। सबसे अच्छी चीज जो हमें मेडिटेशन से मिलती है वो है एक मेंटल डिसिप्लिन। यदि हमें मेंटल डिसिप्लिन मिल जाता है तो हमारा माइंड अपने आप हमारी सारी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेता है। आप खुद पर डिपेंड हो जाते हैं और आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। रिसर्चेस हैव शोन दैट मेडिटेशन मे हेल्प पीपल लर्न टू रीडायरेक्ट देयर अटेंशन, इंक्रीज देयर विल पावर, कंट्रोल देयर इमोशंस एंड इंपल्सेस एंड इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज बिहाइंड देयर एडिक्टिव बिहेवियर। आवर लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, कंट्रोल्स एंजाइटी। When you meditate, your stress gets decreased and less stress means less anxiety. Guys, anxiety एक ऐसा mental health disorder है जिससे हमें future में होने वाले events को लेकर डर लगने लगता है, हमें panic feel होने लगता है। Anxiety से हमें बहुत सारे disorders होने के chances कहीं गुना तक बढ़ जाते हैं, जैसे social anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, separation anxiety disorder,
कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर को हम मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ही अमेजिंग और पॉजिटिव लाइफ बन जाएगी। साथ ही गाइज आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने सम ऑफ द साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड मेडिटेशन के बारे में बात करी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरएमएच तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।